हमारे टीचर हैं उनके नॉलेज में हर कोई बच्चा बहुत आसानी से आ जाता है। तो ये एक तो बेनिफिट ये है, दूसरा हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं। हमें हेलो जी नमस्कार, मैं आपका यूट्यूब साथी प्रवीण आज आपके लिए फिर एक खूबसूरत बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अपने देवभूमि रंगीली नागौरी के सबसे खूबसूरत और सबसे टॉप क्लास स्कूल शिखर बेली मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बारे में। जी हाँ, शिखर बेली मॉडर्न पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर पूरे स्टाफ से लेकर स्कूल के क्लासरूमों से लेकर उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है उससे लेकर बच्चों से लेकर हर कोई नंबर वन पर रहता है। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे शिखर बेली मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं और उसके अलावा खेलकूद के जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रतिभाग होते हैं अपने जनपद बागेश्वर के अंदर कपकोट को लेकर चाहे कहीं भी, वहां पे भी नंबर वन रहते हैं। इसी के साथ साथ वो कहीं पर भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पे भी नंबर वन रहते हैं। तो हमारे देवभूमि रंगीली नागौरी के आजकल वहां पर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा एक मानंदा जी का मेला चल रहा है। इस मेले में उन्होंने अपनी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है। आइए आप भी इस प्रस्तुति को देखिए और एंजॉय कीजिए। Thank you.
देखिए ये बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति खुद बच्चों के द्वारा, ढोलक पे भी खुद, तबले पे भी खुद, हारमोनियम पे खुद, म्यूजिक और उसके अलावा एक जो संगीत के डांसर हैं वो भी खुद अपने आप कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसको भी। स्कूल के बारे में जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारे शहरों में स्कूल होते हैं जैसे देहरादून, बागेश्वर, इसके अलावा अल्मोड़ा, कहीं भी क्षेत्र में, कहीं भी जो भी होते हैं शहरों में, वहां पे क्या होता है, जो हमारे बच्चों की क्लासरूम होती है वो 50-50 की होती है, यानी कि छात्र छात्राएं एक क्लास में 50 होते हैं, उनके भी सेक्शन बना दिए जाते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। लेकिन हमारे शिखर वैली मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ऐसा होता है कि हमारी जो एक क्लास की छात्र संख्या है वो 50 तक ही होती है। छोटा एक क्षेत्र होने के नाते बहुत अच्छी सर्विस अपने क्षेत्रवासियों को दे रहा है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो सीधा टीचर से कनेक्ट रहते हैं। 50 बच्चे बिल्कुल छोटे सा रूम है और उसमें एक बच्चे के साथ कनेक्ट हैं, तो जो हमारे टीचर हैं उनके नॉलेज में हर कोई बच्चा बहुत आसानी से आ जाता है। तो ये एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा, हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं, हमें कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हो, अपनी बोली भाषा हो, उससे भी हम जुड़े रहते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं बच्चे। Hey, I'm gonna go to your mom's, see you, hold on.